खेल गई श्रुति अपना घिनौना खेल, मां के रूप में निकली डायल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज श्रुति पूरी तरह से हमारे सामने एक्सपोज हो गई। दोस्तों आज इस वीडियो को जब मैं पूरी तरह आपके सामने रखूंगी, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्या क्या श्रुति ने किया है और क्या क्या करने जा रही है, आज उसका पूरा खेल समझ में आ गया। दोस्तों खुद को मां कहने वाली दरअसल डायल है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जो आपकी पीठ के पीछे छुरा घूमता है, वो भी दोस्त बनकर, वाइफ बनकर, मां बनकर। श्रुति वही है। माया अनुपमा की दुश्मन बनी, मगर माया ने जो भी वार किया अनुपमा के सामने किया। अनुपमा को पता था माया के क्या इरादे हैं। यहां पे ना तो अनुज को पता है ना ही अनुपमा को पता है कि श्रुति कर क्या रही है। अनुज श्रुति को थैंक यू कहता थकता नहीं है, मगर ये थैंक यू बहुत महंगा पड़ रहा है अनुज भाई। सच में आज तो श्रुति के लिए सोच के बहुत ही गंदा फील हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार इस बारे में कहा, मगर कहीं ना कहीं श्रुति इसके ऊपर कामयाब रही अपनी मीठी बातों से, अपने मीठे जेस्चर से, अपनी मीठी जुबान से। मगर आज जो हमने देखा, जिस तरह श्रुति ने डायलॉग पे डायलॉग मारे अपने आप को कवर करते हुए आद्या के पीछे, वो सब यही जाहिर करते हैं कि श्रुति तो पहले से ही इसी प्लानिंग में थी। ये प्लानिंग श्रुति की आज की नहीं, 4 साल पहले से ही चल रही थी। आद्या एक ऐसा बच्चा जो ट्रॉमा में है, जिसको अपनी मां से नफरत है, उस टाइम पे श्रुति अनुज की जिंदगी में आती है। अनुज को वो पहली आंख ही प्यार कर बैठती है, या जो भी कह लो, प्यार या जो भी। अब तो मुझे लगता है लोग कहते हैं बदला लेने आई, तो वो भी मैं मान के चलती हूं, क्योंकि ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। क्या राज लेके चलते हैं समझ में बाद में ही आता है, बट अब ये तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ वो करने ही वाली है और कर रही है। खैर उस समय उसको आद्या ही जरिया मिली अनुज के करीब जाने का, और वो गई। अब किन हालातों में अनुज ने एंगेजमेंट की वो तो उस समय में ही पता चलेगा, जब वो लेके जाएंगे हमें उस समय में, क्योंकि बातों में तो यही है कि आद्या की जिद के आगे एंगेजमेंट करनी पड़ी। खैर वहां से ये चला तो श्रुति को कहीं ना कहीं था कि अनुज तो मेरा ही है, आद्या भी मेरी ही है, आद्या का ट्रॉमा चलता रहेगा, मुझे अनुज से थैंक यू मिलता रहेगा और बस बढ़िया है। अब अमेरिका में आके जो उन्होंने सेटलमेंट की अपनी, खुश रहते थे ऊपर ऊपर से जो भी है। अनुज के दुख को कभी समझा ही नहीं, ना आद्या ने ना ही श्रुति ने। आद्या कैसे समझती, क्योंकि श्रुति आद्या को समझ नहीं रही दे रही। श्रुति जैसी डेंजरस लेडी जो अपने बर्थडे स्पॉइल करने पे अनुपमा से इतना बड़ा बदला लेने उसके रेस्टोरेंट में जा सकती है, अगर आपको याद हो तो पता चलेगा कि कितनी डेंजरस है। मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि जब अनुपमा ने की वजह से इसका बर्थडे स्पॉइल हुआ था, जबकि अनुपमा की कोई गलती नहीं थी उसमें। अनुज ने अनुपमा से मिलने का प्रोग्राम बनाया, वहां पर श्रुति चली गई, उसका बर्थडे स्पॉइल हो गया। मेरा स्पेशल डे शुरू का स्पेशल डे, वो नहीं खराब होना चाहिए। आद्या ने भी भरपूर जोर लगाया, मगर वो डे खराब हुआ। उसकी खुंदस उसने अनुपमा के जन्मदिन पे उतारी, वहां पे जाके शादी का कार्ड दे या जो भी कार्ड दे और अंगूठी दे, सब किया उसने। अनुपमा बेहोश होगी, उसका दिन स्पॉइल कर दिया। तो ऐसी खुंदस से भरी हुई लेडी जिसको अनुज और आद्या चाहिए, अनुज खास करके चाहिए, वो किस हद तक गिर सकती है आज पता चल गया। अनुपमा का घर पे आना, उसको लगा था कि अनुपमा घर पे आएगी तो मैं अपने हिसाब से चीजों को और ज्यादा करूंगी और दूर कर दूंगी अनुपमा को अनुज से। मेन तो वही है ना कि अनुज से दिल से अनुपमा निकले, मगर यहां पे जब उल्टा होता हुआ देखा उसने कि अनुज तो अनुपमा से और प्यार कर रहा है, अनुज और अनुपमा हंस खेल रहे हैं, और आद्या भी अब कर रही है अनुपमा से थोड़ा लगाव दिखा रही है, जैसे आरती की थाली दे देना,
हम सब सोच रहे थे कि इसके रिएक्शन आए क्यों नहीं, कमरे में रोती रहेगी क्या ये श्रुति? मैं तो ये सोच रही थी कि ये तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी कि आद्या भी मेरे हाथ से निकल रही है। मगर आज वो दिन था जहां श्रुति ने अपने सारे बदले निकाल लिए। दोस्तों अगर श्रुति के हम ग्राफ को देखें, हॉस्पिटल में जो आद्या को या घर पे जो दौरा पड़ा पैनिक अटैक का, जो हम बार बार आपसे बात करते हैं कि श्रुति को सूप पिलाते पिलाते अनुज ने दूर से देखा कि दोनों खुश हैं तो चले गए, चला गया। मगर उसके अनुज के बाहर जाते ही वो अनुपमा से मिलने या बात करने जा रहा था, वहीं पे आद्या को दौरा पड़ गया। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये श्रुति आद्या को इस तरह से मैन्युपुलेट कर रही है कि आद्या जैसे ही अनुपमा की तरफ जाना शुरू होती है, श्रुति उसको अपने तरीके से मैन्युपुलेट करके अनुपमा के लिए आद्या के दिल में और नफरत पैदा करती है। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि वो ये भी कहने की कोशिश करती है, जो आज कह भी दिया आद्या के सामने, कि कभी तो आद्या के बारे में सोचो। इसका मतलब आद्या के दिमाग में ये बार बार बिठाती रहती है कि अनुज के लिए अनुपमा कितनी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक श्रुति का इरादा लगता है, उसने यही बार बार उसके दिमाग में डाला होगा कि तेरी मम्मी के लिए भी तू इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तेरी मम्मी तेरे पापा के लिए भी तेरी इंपॉर्टेंस कम कर देगी। यही ट्रिगर पॉइंट है ना उसका, आद्या का। इसलिए अपनी मम्मी को अपने पापा से दूर रख, जो उसने कहा तू जाना इंडिया और बॉडीगार्ड बनना। ये जो बीच बीच में श्रुति मीठी जुबान में छोड़ती है ना, ये सब चीजें जो है आद्या को उसके उस ट्रिगर पॉइंट तक ले जाने के लिए। आद्या के सामने ये बात कहना कि अनुपमा के बारे में छोड़ो, आद्या के बारे में सोचो, कितनी बड़ी बात है। जो हर कदम फूंक फूंक के रखती है, हर डायलॉग सोच सोच के बोलती है श्रुति, वो ये बात कहती है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो श्रुति की जिद है, बदला है, जो भी है बदला। तो मुझे अभी एंगल कोई दिख नहीं रहा बदले का, क्योंकि कहते हैं लोग कि माया की बहन है या माया का कुछ है, मुझे वो नहीं लगता है। बट मुझे ये जरूर लगता है कि ये एक ऐसे पोजेसिव प्यार की श्रुति जो है एग्जाम्पल है, जो पूरी जिंदगी आद्या को ऐसे ही बीमार रखने वाली है। आद्या को अगर कोई ठीक कर सकता है तो अनुपमा है, ये इसको पता है, इसलिए वो अनुपमा को आद्या से दूर करना चाहती है, अनु से तो करना चाहती ही है। अगर आद्या पूरी जिंदगी बीमार रहेगी तो घर में एक ऐसा मुद्दा रहेगा जिसकी वजह से श्रुति और अनुज करीब आ सकते हैं। जैसे आज भी हमने देखा श्रुति ने आद्या को मना लिया, जहां पे श्रुति आद्या को अनुज के बारे में बोल रही थी कि तेरे पापा ने भी तो मेहनत की है। अगर श्रुति की इतनी बातें मानती है आद्या, तो क्या एक बार श्रुति अनुपमा के बारे में अगर उसको आराम से समझाए तो क्या नहीं समझेगी आद्या? आद्या फौरन समझ जाती, फौरन आद्या का ट्रिगर खत्म, फौरन आद्या बाहर गई, पापा से सॉरी फील किया, अनुज ने बड़े दिल से श्रुति को थैंक यू कहा, श्रुति का तो दिन बन गया। आद्या का खराब हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट श्रुति का दिन बन गया, क्योंकि अनुपमा को आद्या जिस तरह से रिएक्ट कर चुकी है, श्रुति बहुत खुश की, आद्या तो मेरी ही बेटी है भाई, आद्या को मैं चाहिए, श्रुति ने कहा मैं मां चाहिए उसको, वो नहीं चाहिए, इसलिए अनुपमा को निकालो। तो मुझे तो भाई ये समझ में आया है, ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ के, और सच में बहुत ही खतरनाक खेल है ये, सच में। और अनुज की समझ से तो बहुत परे है। और सबसे दुख की बात है कि इस खेल का बड़ा मोहरा बच्चे को बनाया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए, मगर इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, और आप अपने भी कमेंट के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.